जय हिंद दोस्तों, इम्पैक्ट अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है दोस्तों। ऐसे आप सब, तो हमने स्टार्ट किया था कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं हम। देखो, जैसे मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, मैंने बताया था जैसे अपना जो भी दर है, दर मान लो आपकी 5%, तो सबसे पहले अपना काम रहेगा इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, 1/20 हो। मैंने आपको ये बताया, ये तो होता है अपना प्रिंसिपल भाई, मूलधन, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। उसके बाद मैंने आपको बताया इन दोनों का जो जोड़ होगा ना, वो होगा अमाउंट, मतलब मिश्र, दोनों का जोड़ कितना है, 21। उसके बाद मैंने ये बताया कि भी 2 साल की बात कर रहा है बंदा, 2 साल, 2 ईयर की बात करें, 2 साल की बात करें तो हम क्या करेंगे, वैल्यू को 2 बार लिख देंगे, 3 साल की बात करें तो 3 बार लिख देंगे, 2.5 और 1.5 साल की बाद में बात करेंगे। 2 साल की बात करता है, ठीक है, 2 साल की बात करता है तो जैसे प्रिंसिपल अपना 20 है, अमाउंट अपना 21, 2 बार लिख दो, ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 400 और ये हो गया अपना कितना, 441, ठीक है। ये तो प्रिंसिपल का रेशो है और ये अपने अमाउंट का रेशो है दो, और इन दोनों का जो अंतर आएगा वो क्या होगा, वो अपना कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। यदि हम 3 साल की बात करें, 3 साल की बात करें दोस्तों, ये अपना प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, 20 है तो 21 है, 20 है तो 21 है, 20 है तो 21, ये हो गया 8,000, ये हो गया 5,261, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आया 1,261, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है दोस्तों, ये अपना प्रिंसिपल है और ये अपना अमाउंट है, ठीक है, ये हमने जाना था अब तक, ठीक है। आगे जो भी देता प्रिंसिपल देता, प्रिंसिपल के सामने कंपेयर कर दो, कंपाउंड इंटरेस्ट देता कंपाउंड इंटरेस्ट के सामने कंपेयर कर दो, और यदि आपको अमाउंट देता तो अमाउंट के साथ कंपेयर कर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद और जैसे हम बात करेंगे, जैसे हम आज जो बात करेंगे वो 2 साल के बारे में बात करेंगे, 2 ईयर के बारे में डिस्कस। जैसे मैं कहता हूँ भाई दर जो है अपनी 10%, क्या है 10%, एक तरीका और है मैं बताता हूँ आपको, प्रिंसिपल अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हो, मर्जी आपकी है, मगर इतनी भी मनमानी नहीं करनी है। प्रिंसिपल जैसे हमने 10% को तोड़ा तो क्या बना, 1/10 बना प्रिंसिपल, ऐसा मान लो जो इस 10 से पूरा पूरा कट जाए, ठीक है। तो आपको करना क्या है, 2 साल बोले तो 10 की पावर 2 कर दो, ये 10 है ना, 10 की पावर 2, 3 साल बोले तो 10 की पावर 3 कर देना। अब देखो 2 की पावर 10 की पावर 2 क्या होगा, 100 होगा, क्या होगा दोस्तों, 100। 2 साल है, पहले साल और दूसरे साल, पहले साल और दूसरे साल, तो 100 का 1/10 क्या होगा, 10 होगा, 100 का 1/10 क्या होगा दोस्तों, मतलब मेरा कहने का मतलब है 100 का 10% है तो इसका मतलब 100 रुपये का ब्याज कितना मिलेगा, 10 रुपये मिलेगा, 100 का ब्याज कितना मिलेगा, 10 रुपये। ये जो आपको दिख रहा है 10 और 10, ये अपना है सिंपल इंटरेस्ट, क्यों, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट मैंने क्यों बोला, ये साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज क्यों बोला मैंने, क्योंकि साधारण ब्याज मेरे भाई हर साल बराबर होता है, हर साल क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो अगले साल देखो, पहले साल हमें मूलधन का ब्याज मिलेगा 10 मिल गया, अगले साल मूलधन का ब्याज मिलेगा, मिलेगा साथ में ब्याज का भी तो ब्याज मिलेगा भाई, तो इसका भी हमें 10% मिलेगा, मतलब इसका 1/10 कितना बढ़ेगा, 1 रुपये, क्या मिलेगा, 1 रुपये। मेरी बात को समझना थोड़ा सा, ठीक है। ये अपने पहले साल का, कोई आपको बोले पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, पहले साल का, पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 10। दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, सेकेंड ईयर का, ये तो फर्स्ट ईयर का है, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, तो ये दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है भाई, ये जो चक्रवृद्धि ब्याज है दूसरे साल का है, कितना है, 11, कितना है, 11, टोटल कितना हो गया, 21 हमारा 2 साल का चक्रवृद्धि। इतनी बात क्लियर है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 21 रुपये, कितना भाई, 21 रुपये अपना 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया यहाँ से,
ठीक है, उसके बाद और बताता हूँ मैं आपको बात। यदि आपको साधारण ब्याज के बारे में बात करें, साधारण ब्याज कितना है 2 साल का, 2 साल का साधारण ब्याज, 2 साल का साधारण ब्याज बोले तो 10 और 10 कितना होता है 20 होता है, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है। कई बार ये बोल देता है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताओ, ठीक है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। देखो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है, देखो चक्रवृद्धि ब्याज कितना अपना 21, साधारण ब्याज कितना अपना 20, कितना आ गया अंतर 1, ये दोनों का क्या है अंतर है 1 रुपया, 1 यूनिट जो है इन दोनों का अंतर है दोनों का। या ये कह सकते हो आप सिंपल से शब्दों में, ये जो होता है ना यहाँ पर, ये अंतर होता है, क्या होता है ये अंतर, ये जो होगा ये अपना अंतर होगा इसका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि। इतनी बात क्लियर है सबको? मैंने क्या बोला, सबसे पहले दर को तोड़ो, जो डिनोमिनेटर होगा जो हर होगा उसका स्क्वायर कर दो, 2 साल तो 2 की पावर उसकी पावर 2 कर देंगे, जैसे अपना जो भी दर है वो 1/r टूटेगा, r की पावर 2 जो होगा ना दोस्तों वो अपना प्रिंसिपल होगा, बात खत्म, r की पावर 2, ये r नहीं, ये r की पावर 2 होगा वो अपना प्रिंसिपल होगा, ठीक है। तो इसका 10% हमने निकाला, 10 आया, इसका 10% कितना अपना 10 आया, तो पहले साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 10 रुपये, साधारण ब्याज भी 10 रुपये, ये साधारण ब्याज भी है और ये चक्रवृद्धि ब्याज भी है, मगर ये पूरा पूरा चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे साल का कितना चक्रवृद्धि ब्याज हम देखें तो दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना 21, 10 ये और 1 ये, ठीक है। और यदि आपसे पूछे कि साधारण ब्याज बताओ, पहले साल का साधारण ब्याज, ये पहले साल का साधारण ब्याज है, ये दूसरे साल का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज हर साल क्या होता है बराबर होता है, आपको पता चल, समझ गए ना बात। तो अब इसी के ऊपर हम काम करेंगे, देखो तो सिंपल लगेगा हमें, सिंपल तरीके से करेंगे जो हमें लगेगा। ये कई बार क्या है कि ये मेथड कब लगाना पड़ता है, अब आगे और भी करवाऊंगा क्वेश्चन ऐसे, ये मेथड तब लगाना पड़ता है जब हमें दूसरे और पहले साल का अंतर पूछ ले, या पहले दूसरे साल का अकेला पूछ ले, या साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछ ले, तब ये मेथड अपने बहुत ही कारगर साबित होगा ये आपके लिए, ठीक है। देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, प्रिंसिपल आपसे पूछा गया है, दर अपनी 10% है, समय 2 साल है और चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है, अमाउंट आपको दे रखा है। देखो मैंने बताया आपको यहाँ पर हम पूरा पूरा 2 साल के ऊपर ही काम करेंगे, ठीक है ना, फालतू हम दिमाग नहीं खराब करेंगे आपका। दर कितना मेरे भाई 10%, सबसे पहला काम करो तो तोड़ दो 1/10, 1/r क्या हुआ, 1/r अपना कितना हो गया 1/2, बात क्लियर। समय कितना दिया इसने 2 साल दिया, मैंने क्या बताया प्रिंसिपल और अमाउंट, प्रिंसिपल और अमाउंट, ठीक है, प्रिंसिपल अपना 10 है, अमाउंट कितना अपना 11, 10 है तो 11 है, मैंने बोला 2 साल बोले 2 बार लिख देना, 3 साल बोले तो 3 बार लिख देना, ये कितना हो गया 100, कितना हो गया मेरे भाई, जोड़ना नहीं है गुणा करनी है, कितना हो गया ये 100 हो गया, कितना हो गया ये 100 हो गया, और ये कितना हो गया 121, ये अपना प्रिंसिपल है, ये अपना अमाउंट है, तो अपना चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ मेरे भाई, चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ से हुआ 21, इतनी बात क्लियर है। मूलधन का पता चल गया, मिश्रधन का पता चल गया, और हमें ब्याज का भी पता चल गया। आगे बताओ क्या दे रखा है इसने आपको, क्या दिया है यहाँ पर, दिया है मिश्रधन कितना 2120 रुपये, 2420 रुपये, ये हमें दे रखा कितना 2420 रुपये हमें दिया, ये आपको दिया है 2420 रुपये। तो देखो ये कितना गुणा है इसका, हाँ भाई कितना गुणा है इसका, ये आपका 20 गुणा है, एक काम करो फिर 20 गुणा मेरे भाई इसको कर देना, और 20 गुणा ही इसको, कोई आपको बोले कि प्रिंसिपल बताओ तो 2000 रुपया हो गया, कितना रुपया हो गया 2000 रुपये, समझ गया ना बात, प्रिंसिपल 2000 रुपया है, और आपसे ये पूछे इसका ब्याज बताओ तो 420 रुपये अपना कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 420 रुपये होगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं तो जो प्रिंसिपल है भाई, जो प्रिंसिपल है वो तो 2000 रुपये है, और इसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है कौन से ऑप्शन, बी ऑप्शन में है, तो बी हमारा, इतनी बात क्लियर कर लोगे ना, ठीक है, सिंपल सा तरीका है। सेकंड मेथड क्या बताया था मैंने आपको अभी, जो सेकंड मेथड मैंने आपको बताया, सेकंड जो मेथड क्या बताया,
ये भी जान ले। देखो मैंने कहा था प्रिंस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर 10%, और 10% बोले तो वन अपॉन में आर क्या बनेगा, वन अपॉन आर बनेगा 1/10। प्रिंसिपल क्या होगा, आर की पावर 2, छोटे आर की पावर 2, मतलब 10 की पावर 2 कितना हो जाएगा, तो प्रिंसिपल अपना 100 है। प्रिंसिपल कितना है, 100। प्रिंसिपल यदि 100 है तो यहाँ से देखो का 1/10% मतलब 1/10 का 1/10, तो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हुआ 10, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ 10, समझ गई बात, प्रिंसिपल का। अब देखो यहाँ पर हमें ब्याज और मिलेगा, दूसरे साल ब्याज का ब्याज और मिलेगा, इसका 1/10 और मिलेगा, कितना हो गया यहाँ से 1 रुपया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यदि देखें, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट की हम बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट ओवरऑल मिला के कितना हो रहा है यहाँ पर, कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से हो रहा है ना 10+10+1=21, कितना हो रहा है 2100। तो यहाँ से हम अमाउंट की बात करें, सबसे पहले अमाउंट क्या क्या है, तो ये और 21 ये कितना हो गया 121 हो, कितना हो गया 121, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है अपना, प्रिंसिपल अपना 100, प्रिंसिपल कितना 100 है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है यहाँ से, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दोस्तों 21। देखो अब ये हमारा कितना है, ये अपना है 2420, कितना गुना है इसका, हाँ भाई कितना गुना है इसका, ये इसका गुना है 20। तो एक काम करो फिर 20 गुना इसको कर दो, और 20 गुना ही इसको, ये हो जाएगा 2000 रुपये, और ये कितना हो जाएगा हमारा 420, तब भी आपका ये ठीक है ना, समझ गए बात। कर लोगे इस तरीके से, इस तरीके से करना चाहो इस तरीके से कर लो, मर्जी आपकी है, किसी भी तरीके से कर सकते हो। ये अपने पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, और ये अपने दूसरे साल का चक्रवृद्धि। यदि आपसे पूछे साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताओ, ये जो नीचे 1 दिख रहा है ये ब्याज का अंतर ही है, साधारण ब्याज यहाँ पर 20 रुपये है, और यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 21 रुपये, ये आगे काम आएगा ठीक है। मैं साथ के साथ वैसे बता रहा हूँ आपको, ताकि आगे दिक्कत ना आए आपको। नेक्स्ट प्रिंसिपल दे दिया, दर आपकी 16.2/3% है, समय 2 साल है, देखो सबसे पहले अपना क्या है 16.2/3%, 16.2/3% बोले तो 1/, तो प्रिंसिपल और अमाउंट, मूलधन 6 है तो मिश्रधन 7 है, मूलधन 6 है तो मिश्रधन 7 है, 2 साल है तो 36 है, तो ये कितना हो गया अपना 49। तो यहाँ से ब्याज कितना बना, यहाँ से ब्याज बना अपना 13, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना 13, और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको कितना दिया, ये आपको दिया है भाई 780 है, कर दे रखा 13 6 78, 60 गुना, तो 60 गुना मेरे भाई इसको कर देना, और 60 गुना इसको करो, गुना करो जीरो 6 18 और 3 21, ये अपना मूलधन है प्रिंसिपल, इसमें ये जोड़ दें कितना हो जाएगा 2940, ये अपना मिश्रधन है, कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। उस तरीके से करोगे उस तरीके से तो कर लो बेसिक ठीक है ना, जैसे अपना जो दर है वो 16.2/3 बोले तो 1/, प्रिंसिपल क्या मानू, 6 का स्क्वायर 36, पहले साल का 1/6 इसका 6 6, ये 6 तो 6 दो बार आएगा, 1 है 1 एक बार है। अब ये क्या है, ये पूरा क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, 6 6 12 13 है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना 13 है, प्रिंसिपल अपना कितना 36, और ये कितना दे रखा आपको, ये 13 आपको दे रखा 780, ये क्वेश्चन के अंदर दिया है, कितना गुना 60 गुना, तो प्रिंसिपल अपना कितना है 36 है, 36 का आप 60 गुना कर लेना। अमाउंट कितना है, अमाउंट है 36 प्लस में 13 49, 49 का 60 गुना आप कर लें,
जो भी आएगा वो तो आपका उत्तर होगा। कितना आएगा? ये आएगा 2160 रुपये और ये आएगा 29। जो आपको ठीक लगे वो कर सकते, ठीक है भाई, जो आपको ठीक लगे। ये हमारा फर्स्ट मेथड है और ये आपको फॉर्मूला लगाना चाहो फॉर्मूले से लगा लो, इनिशियल फाइनल करना चाहो इनिशियल फाइनल लगा लो, मर्जी आपके, किसी भी तरीके से लगा सकते हो। एक फॉर्मूला भी लगा सकते हो मिश्र धन का जो कल मैंने आपको बताया था, या इनिशियल फाइनल भी लगा सकते हो जो हमने आपको बता रखा है, ठीक है, उस तरीके से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट करो, प्रिंसिपल आपसे पूछा गया है यहाँ पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 12.5%। 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट बोले तो 1/8 ना, 1/8 तो प्रिंसिपल अमाउंट, 2 साल तो 8 है तो 9 है, 8 है तो 2 गुना इन दोनों की प्रॉफिट, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो भाई, 64 है तो 81। यहाँ से ब्याज कितना बना? ब्याज अपना कितना बन गया? 17। ब्याज कितना बन गया यहाँ से? 17। और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको कितना दिया? 6.80। जो क्वेश्चन में दिया है 17 चौक 68, 0.4 गुना है इसका मतलब, ठीक है। क्या पूछा आपसे? प्रिंसिपल आपसे पूछा गया है तो इसका 0.4 गुना कितना हो जाएगा? 6 चौका 24, 4 चौके 25.6 हो जाएगा। कौन से ऑप्शन है? या फिर उस तरीके से करना चाहो तरीके से भी कर सकते हो, सेकंड मेथड, कोई प्रॉब्लम नहीं इस बात से। दर अपनी कितनी है? दर अपनी 12.5% है तो 1/r क्या होगा? 1/r होगा 1/ प्रिंसिपल। क्या मानोगे फिर? 8 का स्क्वायर 64 पहले साल, पहले साल 1/8 बन जाएगा, 8, 8 और 1 इसका 1/8 और होगा बात है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की यदि अपन बात करें, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारा कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है 8, 8, 16 और 17। हमें 17 कितना दे रखा है? 17 को हमें दे रखा कितना? 6.80 गुना 0.4 गुना, तो 0.4 गुना इसको कर देना, जो आएगा वो हमारा आंसर होगा कितना, वो हो जाएगा ये प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का 0.4 ये क्वेश्चन में दिया है, हमें फाइंड आउट करना। इतनी बात क्लियर सबको? कोई दिक्कत तकलीफ कर लोगे ना? ऐसे कोई भी मेथड चूज करते, मर्जी आपकी है, दो तरीके मैं बता रहा हूँ साथ के साथ। और फॉर्मूला लगाना चाहो फॉर्मूला लगा लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं इस बात से। प्रिंसिपल 1+r/100 टाइम, नेक्स्ट। अब की बार क्या है? प्रिंसिपल आपसे पूछा गया है, दर आपकी 16 से 2/3% है, समय आपका वही 2 साल, दर कितनी है? 16 से 2/3 बोले तो 1/6, तो प्रिंसिपल अमाउंट 6 है तो 7 है, 6 है तो 7 है, 37 है तो। अब की बार अमाउंट देके प्रिंसिपल पूछे, अमाउंट कितना है? 1470 कितना गुना है? देखो जी 3 गुना है, 20 गुना, ये मैंने दिया है,
30 गुना आप कर दो प्रिंसिपल, ये हमारा अमाउंट दिया है प्रिंसिपल, आपसे पूछा गया है कितना हो जाए, 6 3 18 1080 आ रहा है ऑप्शन में, बिल्कुल 1080 कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है 1080। ठीक है, उस तरीके से करोगे उस तरीके से कर लो, मर्जी आपकी। हमें दिया 16 सही 2/3% बोले तो 1/6, 2 साल बोले तो 6 की पावर है 2 हो जाएगा प्रिंसिपल। इसकी 1/6, इसकी 1/6, 6 है तो 1 है। तो यहां से प्रिंसिपल आपसे पूछा गया है, अमाउंट आपको दिया है, अमाउंट क्या है, अमाउंट है 36 तो ये, और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें यहां से कितना हो रहा है, 6 6 12 1 13 हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट 13 और जोड़ कितना हो गया यहाँ से 49, ये आपको दिया है 49 कितना है, 49 जो दिया आपको 1470 तो कितना गुणा है 30 गुणा है, तो प्रिंसिपल का 30 गुणा कर देना, जो आएगा वो आपका उत्तर मूलधन, तो हमारा आंसर समझ गई बात। ये क्वेश्चन में दिया है मिश्रधन, अमाउंट आपको दे रखा क्वेश्चन में, ठीक है ना, ये गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम कंपेयर कर लेंगे भाई, 49 यदि 1470 के बराबर है तो अपना प्रिंसिपल किसके बराबर होगा, जो अपना मूलधन है वो किसके बराबर होगा, ठीक है ना। कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो, 2 बता रहा हूँ मैं साथ ही, और फॉर्मूला लगाना चाहो तो फॉर्मूला भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बताओ इसमें। नेक्स्ट दो दर दी है आपको, प्रिंसिपल पूछा गया है और आपसे अमाउंट पूछा गया है, देखो पहली दर कितनी है, पहली दर यहाँ पर 11 से 1/9% क्या होता है भाई, 1/9 होता है, और दूसरी दर कितनी है अपनी 12.5%, 12.5% देखो प्रिंसिपल अमाउंट तो 9 है तो कितना हो जाएगा यहाँ से 10 हो जाएगा, दूसरे में क्या है 8 है तो कितना हो जाएगा यहाँ से, तो बताया था मैंने आप अलग अलग दर है तो ऐसे करेंगे, और मैंने आपको ये बताया था कि आप काट सकते हो चाहो तो काट सकते हो, मैंने कहा था काटने का तरीका ये वाला रहेगा, ऐसे भी काट सकते हो मगर आपस में मत काट देना। उसके बाद मैंने बताया था इनको भी चाहो तो काट सकते हो, 2 से कटता है 4, 2 से कटता है 5, ये कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया, और कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से क्या हो गया 1 हो कंपाउंड। क्वेश्चन में क्या दिया आपको, क्वेश्चन में आपको दिया यहाँ से कितना कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दिया 480, कितना गुणा है 480 गुणा सिंपल, ये क्वेश्चन में दिया है भाई, एक काम करो फिर 480 गुणा इसको कर दो, 480 गुणा है 480 गुणा इसको कर देना, और 480 गुणा इसको कर, 480 गुणा इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से, यहाँ से हो जाएगा 8 चौका 32 16 17 18 19, ये अपना प्रिंसिपल आ गया 1900, इसके बाद गुणा करोगे तो 0 0 8 5 40 4 4 5 20 और 4 24, ये हमारा अमाउंट कौन से ऑप्शन में कर लोगे भाई, उससे करोगे तो उसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, प्रिंसिपल ऐसा मानना पड़ेगा जो दोनों से कट जाए, इसका मतलब दोनों का क्या मानोगे वहाँ पर एलसीएम मान, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आगे भी करवाएंगे, 3 साल में भी करवाऊंगा मैं आपको, और 2 साल में तो करवा ही रहे, ठीक है।
जाएगा। नेक्स्ट, सर कितने दी है? थोड़ा सा ही, 2/3%। समय आपका 2 साल है और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दिया है 28,780। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 16/2/3 बोले तो 1/6, तो प्रिंसिपल अमाउंट 6 है तो 7 है, 6 है तो 7 है, 36 है तो 49। अब की बार ये कितना हो गया भाई, 13 के बराबर है, 780 के बराबर, कितना गुणा 13 6 73 60 गुणा, ठीक है। तो क्या पूछा आपसे, प्रिंसिपल आपसे पूछा है, प्रिंसिपल को 60 0 18 20 ये अपना प्रिंसिपल कर लोगे, ठीक है। अमाउंट पूछे तो इसमें जोड़ दो या फिर इसका 60 गुना, बिल्कुल सिंपल, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तकलीफ? ठीक है, उस तरीके से करोगे तो उस तरीके से भी कर सकते हो। के बारे में देखो और भी क्या पूछ सकता है, मैं बता रहा हूँ आपको सारी बातें। देखो जैसे अपना दर है, दर आपकी 16/2/3% है, ये हो गया 1/6, तो प्रिंसिपल क्या मानोगे आप, 6 का स्क्वायर 36, इसका 1/6, इसका 1/6, 6 है 6 है। यदि आपको बोले कि इसका साधारण ब्याज बता, साधारण ब्याज हो जाएगा ये, साधारण ब्याज होता है दोस्तों, ये क्या होता है एस आई, दोनों का पहले साल का और दूसरे साल का साधारण ब्याज बराबर होता है। और ये जो पूरा है ये वाला जो अभी करूँगा रेड कलर में, ये अपना कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज तो कितना हो गया यहाँ से, 12 हो गया, 12 यूनिट हो गया, 12 यूनिट है। कंपाउंड इंटरेस्ट की अपन बात करें तो ये 13 यूनिट है, 13। और यदि हम अंतर की बात करें, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज का और साधारण ब्याज का यदि अंतर की बात करें ना, ये अंतर होता है, ये वाला अंतर होता है भाई, एक चक्कर के देख लो, 13 में से 12 जाएगा, आप खुद ही सोचो 13 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा, एक ही आएगा अंतर, ये अंतर होता है। कई बार अंतर पूछ लेता है, यदि आपसे बोले दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से कितना, 6 है, सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, 6 और 1 7 है, सेकंड ईयर का पूछे, 2 सालों का नहीं, सेकंड ईयर दूसरे साल का पूछे, ये पूरा ये 6 और 1 क्या है अपना, 7 कंपाउंड इंटरेस्ट है सेकंड ईयर का, पहले साल का कितना है, 6 है, समझ गए बात, ऐसे ध्यान रखना। आगे देखो, दर दे दी आपको 14/2/7%, 14/2/7% है, समय आपका 2 साल है, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 40 रुपया है, कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल आपसे पूछ। देखो अब ये मेथड हम नहीं लगाएंगे, कौन से वाला, प्रिंसिपल अमाउंट ऐसे लिखते थे 2 है तो 2 बार 3 बार, नहीं, इसमें क्या है कि यहाँ पर आप कंपाउंड इंटरेस्ट का आप ऐसे एकदम बता तो सकते हो, मगर उसमें सोचना ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। फिर आप देखोगे भी इसमें अपना SI कितना है और CI कितना है, तो आप वहाँ से आप सिंगल मेथड यूज़ करेंगे, कौन से वाला, जो मैंने अभी बताया आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना अपना 14/2 में बोले तो 1/7, 2 साल है तो प्रिंसिपल हो जाएगा 7/2/19, यही बताया मैंने आप, पहले साल का 1/7,
ये पहले साल है, ये सात है, ये सात है, ये कितना है? एक है। अब खुद ही जो सोचो SI और CI का अंतर, ये क्या होता है? ये अंतर होता है SI और CI, जो कितना दिया आपको 40 दिए, कितना गुना है ये इसका 40 गुना। कि आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से कितना बनेगा, कंपाउंड 7 7 14 15 बनेगा, और ऐसा ही हर साल बराबर होता है ये तो 14 बनेगा। आप खुद ही बताओ अंतर कितने का है, एक का है। मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, ये जो होता है ना ये अंतर होता है, बात खत्म। क्या होता है ये दोनों का अंतर होता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है मेरे भाई, ठीक है ना। मतलब ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो आपका कितना है, एक है, जो किसके बराबर है, ये अपना 40 के बराबर है जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। कितना गुना ही ये इसका 40 गुना। आपसे पूछा गया है प्रिंसिपल और अमाउंट। अब प्रिंसिपल कितना आप खुद ही देखो, प्रिंसिपल अपना 49 है, 49 प्रिंसिपल अपना 49, और अमाउंट कितना है, अमाउंट क्या होगा देखो, प्रिंसिपल प्लस में CI, प्रिंसिपल कितना है अपना 49 और CI कितना है अपना 15, दोनों को जोड़ दो 64 हो जाएगा यहाँ से, तभी 40 गुना कर दो इसका भी, जो आएगा वो आपका उत्तर, तभी 40 गुना कर दो इसका भी 40 गुना, ठीक है। तो इसका 40 गुना करें तो कितना होगा, 9 चौका 36, 3 क्या चुके 16 और 3 19, 1960 रुपये है किसी ऑप्शन में। और क्या पूछा है, अच्छा कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा आपसे, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा भाई, एक सेकंड, कंपाउंड इंटरेस्ट बता देंगे हम, कंपाउंड इंटरेस्ट तो बिल्कुल आसान है। कितना था कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दे रखा है, अभी बताया था मैंने आपको ये पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, ये कितना दे रखा आपको 15, 15 का 40 गुना कितना हो जाएगा, 15 का 40, 15 चौका 60, ये हमारे आंसर कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन। इतनी बात क्लियर सबको, कोई दिक्कत तकलीफ, ये मूलधन है और ये अपना चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है भाई कर लोगे। मैंने आपको बताया ये पूरा जो होता है ना, ये पूरा जो होता है ये होता है अपना, देखो ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है ये साधारण ब्याज का, ये क्या होता है साधारण ब्याज, पहले साल और दूसरे साल दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो ये पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट जो लाल कलर में की, काले रंग वाला ऐसा ही है, लाल रंग में जो फिट है वो अपना CI है, और ये जो अपना ग्रीन कलर में फिट है ये अपना क्या है, अंतर है SI और CI का, समझ गए ना बात, कर लोगे इस तरीके से, ये बात ध्यान रखनी है। फिर आगे कंपेयर कर लेंगे भाई, अंतर एक है जो कितना दे रखा है इसने 40, एक किसके बराबर 40 के बराबर 40 गुना, तो 49 किसके बराबर होगा और 15 किसके बराबर, अमाउंट आपसे पूछे तो दोनों को जोड़ देना वो अमाउंट आ जाएगा, ठीक है भाई कर लोगे इस तरीके से, छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, और टाइम दिया है, SI CI का डिफरेंस दिया है, CI पूछा, प्रिंसिपल और CI आपसे पूछा गया है। देखो 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15%, 15% का परसेंटेज हटाओगे तो 15/100 करोगे, 3/20 आएगा, आएगा नहीं आएगा। अब आपको सर प्रिंसिपल क्या मान्य बताओ, रेट ऑफ 1/r में आर क्या है अपना 3/20, मैंने यही तो कहा है आर का स्क्वेयर कर दो, क्या करोगे आर का स्क्वेयर, आर का स्क्वेयर करोगे तो मतलब 20 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा 400। तो प्रिंसिपल कितना मान लिया हमने, प्रिंसिपल मान लिया हमने, बात क्लियर, तो इसका कितना 3/20 मतलब 20 15% 3/20, इसका 3/20 करेंगे
चार सौ का 3/20 आप करोगे, ये 20 पे जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर, पहले साल का 60 और दूसरे साल का भी क्या, मूलधन का तो ब्याज बराबर मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर और कोई ब्याज नहीं मिलेगा, यहाँ पे ब्याज का ब्याज मिलेगा इसका 3/20। अब 60 का 3/20 आप करोगे, 9 बनेगा, कितना बनेगा दोस्तों, 9, कितना बनेगा 9। और ये क्या होता है, 9 क्या है, हाँ भाई 9 क्या है, 9 क्या है, यहाँ पर 9 आपको दे रखा है, ये क्या है, ये होता है पी आई और एस आई का डिफरेंस, क्या ये अंतर है दोनों का, ठीक है ना, एस आई और सी आई का। क्योंकि यहाँ से एस आई की मैं बात करूँ, एस आई कितना है 120, 60 और 60 120, सी आई कितना है, सी आई आपका कितना होगा 129। अब आपको क्या दिया, देखो जो दिया उसको लिख दो, जो दिया है उसको लिख दो, पी आई और एस आई का जो डिफरेंस दिया है वो कितना है यहाँ पर, 9 है, जो किसके बराबर है 180 के, ठीक है। आपसे पूछा एक तो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अपना 400 है, और क्या पूछा आपसे, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 100 है, कितना गुना है इसका, ये 20 गुना है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, ये फाइंड आउट करना है, इसको 20 गुना कर दो, ये भी फाइंड आउट करना है, इसको 20, ये हो जाएगा अपना 8,000 रुपये, कितना हो जाएगा 8,000 रुपये, और ये कितना हो जाएगा अपना 29,58, 258, ठीक है, ये अमाउंट पूछा है, 6, 6, 12, 120, 158 क्या है भाई, बिल्कुल है, ये ऑप्शन है, ठीक है, कर लोगे, कौन सा ऑप्शन अपना डी, कर लोगे ना, मैंने आपको बताया था ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर ये जो होता है ना, यहाँ पर अंतर होता है नीचे वाला, तो यही तो फर्क है कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में, इसमें हमें ब्याज का ब्याज भी मिलता है और वही फालतू है ब्याज का ब्याज, कर लोगे भाई, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, नेक्स्ट क्या बोला इसने, सर आपको दे दी 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3%, 25/3 होता है, 25/3 करेंगे तो 25/300 हो जाएगा, में 3, 25/300 कर दूं, 1/12, यहाँ से जो बनेगा वो 1/12, प्रिंसिपल क्या मानें, 12 का स्क्वायर, प्रिंसिपल हो जाएगा अपना 12 का स्क्वायर, 100, 1/12, तो ये पहले साल, ये दूसरे, ये 12 है तो ये 12 है, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जब 1/r हो ना तो सीधी सी बात है, r r 1, समझ के बात, पहला आर होगा, अगली बार आर प्लस 1 होगा, मतलब आर क्या होगा, पहले यदि 1/r अपना 1/r में टूट रहा है तो यहाँ पर क्या होगा आर, अगली बार क्या होगा आर, अगली बार क्या होगा यहाँ पर 1 होगा, सिंपल सी बात, ऐसे याद रख लो, आर और आर प्लस 1 ये होता है। अब देखो आपको क्या बोला इसने, इसमें क्या दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया है, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया है, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज तो ये वाला है, सिंपल सी बात, ये तो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, ये तो पहले साल का है और ये दूसरे साल का, सही है, और क्या पूछा, कंपाउंड इंटरेस्ट, देखो कंपाउंड पहली बात तो लिख लेते हैं अपन, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर कितना है, 12 और 1 13,
किसके बराबर है भाई, ये अपना 9.10 के बराबर, ठीक है। 13 से 91 0.7 गुना, कितना गुना, 0.7 गुना, भाग करके देख लेना। आपसे पूछा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर, 144 है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट देखो, पहले साल का ये, दूसरे साल का ये, 12, 12, 24 और 25, ठीक ना, समझ गए ना बात, 12, 12, 24 और 1, 25, ये कंपाउंड इंटरेस्ट। तो क्यों ना इसको भी 0.7 गुना कर दें और इसको भी 0.7, 25 × 7 = 175 किसके साथ मैच कर रहा है, इसके साथ मैच कर रहा है, तो इसका मतलब इसकी गुना यही आएगी कि मल्टीप्लाई, कौन से ऑप्शन में हमारा, बी ऑप्शन में, तो बी हमारा। आपसे पूछा गया प्रिंसिपल और साथ में पूछा गया है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। पहले साल का, पहले साल का फर्स्ट ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, फर्स्ट ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है यहाँ पर, 12। दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है भाई, यहाँ से ये अपना 13। आपको दूसरे साल का दिया है यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर, दे रखा कि सेकंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है, 9.10 है। तो 13 किसके बराबर, 9.10 के बराबर, कितना गुणा, 0.7 गुणा। उसमें यही दिक्कत आती, वहाँ पर इंडिविजुअल हम नहीं बता सकते उस मेथड से, इसलिए ये मेथड बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा यदि आप इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस में ले लेते हो, ठीक है भाई, कर लोगे ना इस तरीके से, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट, छह सही दो बटे तीन परसेंट, अठारह 19 20, 20/300, 1/15। तो प्रिंसिपल क्या माने, 2 साल तो 15² = 225, एक बटे पंद्रह है तो ये 15 है, ये 15 और ये कितना है, 1 है, ये पहले साल है और ये दूसरा, तो सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया है, सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर कितना, सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दिया कितना है, 16 किसके बराबर है, 8 रुपये, कितना गुना है, आधा गुना है, 0.5 गुना। तो प्रिंसिपल आपसे पूछा गया, प्रिंसिपल कितना है, 0.5 गुना, मतलब आधा गुना, इसका आधा, इसका आधा कितना हो जाएगा, तो 12.5 हो जाएगा, डी ऑप्शन डी हमारा आंसर। प्रिंसिपल आपसे पूछा, दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दिया है, दूसरे साल का कितना कंपाउंड इंटरेस्ट, 16 है ना, तो 16 का कितना गुणा, 16 का ये 8 कितना गुणा है, आधा गुणा है, आधा गुणा इसको कर दो, इसका आधा करोगे तो उत्तर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। बस आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट तोड़ना है और उसके हिसाब से सोल्व। ग्यारह से 1/9% दर कितनी है, 11 से 1/9%, तो आपको कई बार बताया मैंने 1/9। प्रिंसिपल कितना माने, 9² एक बटे नौ है, 1/r है, तो सीधा आप कर सकते हो क्या, 9 9 1 कर सकते हैं ना ऐसे, पहले साल 9 9, आपको क्या दिया है,
सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दिया, इस सेकेंड ईयर का है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, सेकेंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट वो यहाँ पर 10 है, जो किसके बराबर है, 70 के बराबर, कितना गुना, 7 गुना, कितना गुना भाई, 7 गुना। आपसे क्या क्या पूछा वो लिख लो, आपसे प्रिंसिपल पूछा, आपसे अमाउंट पूछा, ठीक है, प्रिंसिपल कितना हो गया यहाँ से 81 और अमाउंट कितना हो गया 9, 9, 18 और 1, 19 है ना, 81 प्लस में कंपाउंड इंटरेस्ट 19 है तो 100 हो गया ही, तो 7 गुना कर दो, तो 7 गुना करें 7 8 56 ये हो जाएगा हमारा, तो 7 गुना करें तो ये तो 700 ही हो जाएगा, ये हमारा आंसर कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन, ठीक है, ये क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। अरे बात समझ में भाई, बिल्कुल सिंपल है, सिंपल सोबर साधारण, ठीक है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, कर लोगे भाई। नेक्स्ट अब की बार थोड़ा सा अटके है क्वेश्चन, प्रिंसिपल आपसे पूछा गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दिया है 1240 रुपये और समय अवधि जो दी है आपको 1 साल 73 दिन दिया है, 1 साल 73 दिन, आया कुछ नहीं आया, देखो 1 साल से ज़्यादा है, 2 साल से कम है, मतलब 1 और 2 के बीच में, हम क्या कर लेते हैं इसको, तो पूरा पूरा 2 साल मान लेते हैं, ठीक है, क्या मान लेंगे, एक बार माना 2 साल का फाइंड आउट कर, कितने साल का मान लेते हैं, एक बार 2 साल, 2 साल के हिसाब से हम देखें इसको, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना 20% है, 20% बोले तो 1/5, इतनी बात क्लियर सब, तो 2 साल के हिसाब से एक बार देख रहे हैं, देखो मैंने प्रिंसिपल के बारे में क्या बताया, 5 का स्क्वायर 25 और 1/r है तो ये क्या बनता अपना 5, 5 और पाँच, तो एक बात तो आपको सबको पता है कि पहले साल तो पूरा पूरा ब्याज मिलेगा, 1 साल तो पूरा पूरा है, ये पहले साल है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा पहले साल, यही मिलेगा, मगर ये जो है ये पूरे साल का है, ये पूरे साल का दूसरे साल का ही, पूरे 1 साल का है, 1 साल बोले तो ये अपना जो ब्याज है ये 365 दिन का है भाई, कितने दिन का है 365 दिन, हमें चाहिए कितने दिन का 73 दिन का, 1 साल तो पूरा पूरा है, 1 साल अच्छी बात है, ये 1 साल का है, कोई दिक्कत नहीं, ये 1 साल का है, मगर ये 365 दिन का है, मतलब 1 साल का ही है 365 दिन का। अब यदि है, यदि कंपाउंड इंटरेस्ट की मैं बात करूँ, है कंपाउंड इंटरेस्ट 365 दिन का 6 है, 365 दिन का यदि 6 है, 6 यूनिट हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 73 दिन का कितना, 73 दिन का 6/365 सामित काट दें, 5 पे जाएगा 1.2 हो जाएगा। यदि हम कंपाउंड इंटरेस्ट अब देखें 5 पहले साल का और 1.2 और, मतलब 6.2 जो है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये 1 साल और 73 दिन का है,
बात क्लियर, समझिए ना बात। और ये जो कितना दिया आपको 1240 रुपये, कितना दिया आपको 1240 रुपये, 1240 कंपाउंड इंटरेस्ट आपको कितना दिया है 1240 यहाँ पर आपको दे रखा है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 1240 है, ठीक है। अब यहाँ से और पूछा क्या है, प्रिंसिपल आपसे पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दिया है ये 6.2 जो किसके बराबर मेरे भाई 1240, कितना गुना है इसका 200 गुना, डबल है ना, क्या दोनों 12, ठीक है। आपसे पूछा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है अपना, प्रिंसिपल अपना 25 है, 25 का 200 गुना 5000 रुपये हो जाए हमारा आंसर, ठीक है। कर लोगे इस तरीके से, क्या किया मैंने, मैंने पूरा पूरा 2 साल ले लिया, ठीक है, पूरा पूरा 2 साल मान लिया एक बार इसको, 1 साल से ज़्यादा 3 साल से कम है, मतलब 1 और 2 के बीच में तो 2 मान लो, 2 और 3 के बीच में तो 3 मान लो, 3 और 4 के बीच में तो 4 मान लो, ज़्यादा मान लो, ठीक है, ज़्यादा मानने में कोई दिक्कत नहीं, बाद में देख लेंगे हम। पूरे साल का ये तो पूरा पूरा साल का ब्याज मिलेगा, यहाँ पर जो ब्याज है 365 दिन का पूरे साल का है, 365 का यदि 6 यूनिट अपना ब्याज बनता है तो 73 दिन का कितना बनेगा 1.2 यूनिट हमारा ब्याज बनेगा यहाँ से, ठीक है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर क्या हुआ, ये पहले साल का है और ये 73 दिन का है, ये बात कितना हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा, कितना बनेगा 6.2 बन जाएगा, कितना बनेगा 6.2। ये कंपाउंड इंटरेस्ट ये आपको दिया है क्वेश्चन के अंदर, ये क्वेश्चन में गिवन है, और ये आपसे पूछा गया प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा यहाँ से 5000 रुपये, ठीक है भाई। कर लोगे इस तरीके से, कोई दिक्कत तकलीफ करो, ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा ही 2/3%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है यहाँ से, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका माना 2 साल मान लेते हैं, 2 साल कितना मान लेते हैं, एक बार 2 साल मान लेते हैं, 16 से ही 2/3% बोले तो 1/6, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो पहले साल 6 है 6 है, और मगर ये जो है अपना ये पूरा 1 साल का मान लिया हमने, मतलब ये 365 दिन का हमने मान रखा है फालतू में। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट की यदि मैं बात करूँ, 365 दिन का यदि कंपाउंड इंटरेस्ट अपना 7 है ना, 7 है, 6 और 1 7 है, तो 73 दिन का कितना, 73 दिन का कितना 7/365 गुना में 1.4 होगा, तो यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे भाई हो जाएगा यहाँ से कितना 6 + 1.4 = 7.4 है ये 1 साल और 73 दिन का, 1 साल 73 दिन का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है यहाँ से 7.4, ठीक है। अब आपसे यही पूछा गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, यही पूछा गया, प्रिंसिपल दिया आपको, प्रिंसिपल कितना दिया यहाँ से क्वेश्चन के अंदर, प्रिंसिपल दिया आपको, प्रिंसिपल कितना अपना 36, तो किसके बराबर है ये अपना 72000 के बराबर है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, कितना गुना 36 × 72 2000 गुना है। आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछा गया कि कितना कंपाउंड इंटरेस्ट कितना अपना 7.4 है, कितना भाई 7.4 है, तो इसका 2000 गुना कितना, 1 पॉइंट हट के 0 हट जाएगी, 2 0 लास्ट में आएगी, 4 × 8 = 7 × 14 14800 रुपये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14800 रुपये अपना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, जो कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। इतनी बात क्लियर है सबको, कोई दिक्कत तकलीफ हो जाएगा ना भाई, ऐसे करना, ये पूरे 1 साल का है, ये 1 साल हमें चाहिए कितने का, 1 साल 73 दिन का चाहिए हमारे पास है, 1 साल 365 दिन का, ठीक है ना। ऐसे मंथ में होता है, 1 साल 2 महीने दे दिया तो मंथ में भी ऐसे करेंगे, पूरा पूरा 2 साल मान लें, ठीक है ना, इस तरीके से करेंगे हम मंथ में भी, कोई दिक्कत नहीं है, मंथ की टेंशन ना ले, मंथ भी करवाऊँगा मैं।
नेक्स्ट लो, ये महीने का ही आ गया। प्रिंसिपल आपसे पूछा है, दर आपको 12.5% दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दिया है। देखो एक साल 4 महीने, माना 2 साल, कितना मान लें एक बार पूरा, दर कितनी है 12.5%, 12.5% बोले तो 1/8, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर बराबर 64 हो गया 64। तो पहले साल दूसरे साल 8 है 8 है और ये तो अपने एक साल का है, सिंपल सी बात है। ये भी एक साल का, जिसको मैं क्या बोलूँगा अब, 12 महीने का है भाई, यही बोल सकता हूँ, एक साल को 12 महीने भी तो बोल सकता हूँ, ठीक है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की यदि मैं बात करूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट की मेरे भाई बात करूँ, 12 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट 9 है, 9 यूनिट, तो 4 महीने का कितना होगा, 9/12 × 4 = 12, 3 यूनिट होगा, कितना होगा 3 यूनिट। तो यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा, टोटल टोटल जो कंपाउंड इंटरेस्ट वो कितना बन गया, एक साल का तो 8 और ये 3, 11 बन गया, 11 यूनिट बन का, ये बन गया हमारा एक साल 4 महीने का, समझ गए बात, शर्माना नहीं है कुछ भी, ठीक है ना, एक साल 4 महीने। अब देखो आपको क्या दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दिया है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो दिया है वो कितना अपना कंपाउंड इंटरेस्ट 11, तो किसके बराबर है 17,820, ये क्वेश्चन में दे रखा है, कितना गुना है ये 1620 गुना। तो आपसे पूछा क्या है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आपसे पूछा गया, प्रिंसिपल कितना अपना 64 है, 64 का 1620 गुना जो आएगा वो आपका उत्तर होगा 08, दो ऑप्शनों में, जल्दी गुणा करके बताएं मुझे कितना आ रहा है, 8 दो ऑप्शनों में, 10 से ये आ जाएगा फिर, मैं भी है सही है भाई आपका साहिल कुमार, 10 36, ठीक है भाई यही आ रहा है क्या, गुणा देख लेना क्या है, गुणा गलत मत करना, ठीक है, जो भी आएगा मतलब मेरा कहने का ये है कि उत्तर होगा, ठीक है भाई, भाई 12 महीने का यदि अपना 9 यूनिट अपना कंपाउंड इंटरेस्ट है तो 4 महीने का कितना बनेगा, 3 यूनिट बनेगा, तीसरा हिस्सा बन जाएगा, तो टोटल का सीआई कितना बनेगा 11, जो कितना है 17,820, 11 यदि 17,820 के बराबर है, 1620 गुना है, 1620 गुना इसको करो, नेक्स्ट करो, लास्ट क्वेश्चन है ये 2 साल का, सर कितना दिया है, सर आपको दिया है 15%, 15% बोले तो 3/20, हमने पीछे भी किया, तो प्रिंसिपल कितना मान लोगे आप, प्रिंसिपल यहां से मान लेंगे 20 का स्क्वायर 400, पहले साल दूसरे साल 3/20, इसका भी 3/20, पहले साल दूसरे, इसका 3/20 कितना बनेगा हमारा 60, कितना हो जाएगा ये 60, और इसका किया था हमने कितना था 9, हमें चाहिए ये कितने, ये कितने दिन का है, ये अपने 12 महीने का है, कितने का है 12 मंथ का है, 69 यदि 12 मंथ का है, 69 यूनिट जो है 12 मंथ का कितना 69 यूनिट है,
कंपाउंड इंटरेस्ट की यदि बात करूँ, 69 यूनिट जो है 12 महीने का, 12 महीने का 69 यूनिट है, 6 महीने का कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा इसका, उनहत्तर बटे में 12 गुना में आधा हो जाएगा, सिंपल आधा कितना हो जाएगा, 34.5। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से आ गया अपना 60 प्लस में 34.5 94.5 क्या दिया आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दिया है यहाँ से, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया हमारे पास 94.5 जो कितना है 2500 कितना गुना इसका, ही होती है 27 होता है 28 करती 12 13 5 15 30 गुना है, कितना गुना 30। आपसे पूछा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना आपका 400, 400 का 30 गुना कितना हो जाए, 12 हज़ार रुपये हो जाए। कौन से ऑप्शन में, ठीक है ना, ये पूरे एक साल का है, हमें चाहिए कितने का, एक साल और 6 महीने का चाहिए, तो ये बन गया 1 साल और 6 महीने का, ठीक है। तो अपना प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 12 हज़ार, कर लोगे इस तरीके से भाई, 6 महीने पूरे 12 महीने का 69 है, तो आधा 6 महीने का कितना हो जाएगा इसका, आधा हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा यहाँ से, टोटल जो कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा वो कितना बनेगा, 94.5 बनेगा, जो किसके बराबर 2835 के बराबर है, कितना गुना 30 गुना, 30 गुना इसको कर दो प्रिंसिपल आ जाएगा, प्रिंसिपल ही पूछा मेरे ख्याल से, ठीक है ना, कर लोगे इस तरीके से भाई, कोई दिक्कत तकलीफ, ऐसे करना है। ये था आपका 2 साल का भाई, ठीक है, 2 साल का ही है। तो अगली क्लास में हम करेंगे इसमें 3 साल का, सेम टू सेम केस करेंगे, डे के, मंथ के और ईयर के, ठीक है ना, फिर उसके बाद मिक्स करना शुरू करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।